क्लास 10 से 12 तक की परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण ट्रांसलेशन को आज हम सीखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए पूरी वीडियो को और बनाइए अपने आने वाली परीक्षा को बेहतर और आप सफल होइए। दो और दो चार होते हैं, टू एंड टू मेक्स फोर, टू एंड टू मेक्स फोर। इस फल को मत खाओ, इस फल को मत खाओ, डोंट ईट दिस फ्रूट, डोंट ईट दिस फ्रूट। धूप में मत खेलो, धूप में मत खेलो, डोंट प्ले इन द सन, डोंट प्ले इन द सन। प्रतिदिन व्यायाम करो, प्रतिदिन व्यायाम करो, टेक एक्सरसाइज एवरी डे, टेक एक्सरसाइज एवरी डे। रोज अखबार पढ़ो, रोज अखबार पढ़ो, रीड द न्यूज़पेपर डेली, रीड द न्यूज़पेपर डेली। डॉक्टर ने धूम्रपान मना किया, डॉक्टर ने धूम्रपान मना किया, द डॉक्टर फॉरबिड स्मोकिंग, द डॉक्टर फॉरबिड स्मोकिंग। पॉलीथीन घुलती नहीं है, पॉलीथीन घुलती नहीं है, पॉलीथीन डज नॉट डिजॉल्व, पॉलीथीन डज नॉट डिजॉल्व। यह कविता किसने लिखी, यह कविता किसने लिखी, हु कंपोज्ड दिस पोएम, हु कंपोज्ड दिस पोएम। वह खेलने गया है, वह खेलने गया है, ही हैज़ गॉन टू प्ले, ही हैज़ गॉन टू प्ले। उन्हें कौन नहीं जानता, उन्हें कौन नहीं जानता, हु डज नॉट नो हिम, हु डज नॉट नो हिम। जॉन मिल्टन एक महान कवि थे, जॉन मिल्टन एक महान कवि थे, जॉन मिल्टन वॉज अ ग्रेट पोएट, जॉन मिल्टन वॉज अ ग्रेट पोएट। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, द ट्रेन इज एट द प्लेटफॉर्म, द ट्रेन इज एट द प्लेटफॉर्म। कुछ छात्र पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, कुछ छात्र पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, सम स्टूडेंट्स रीड अंडर द ट्री, सम स्टूडेंट्स रीड अंडर द ट्री। सभी लोग दयालु नहीं होते हैं, सभी लोग दयालु नहीं होते हैं, ऑल पीपल आर नॉट काइंड, ऑल पीपल आर नॉट काइंड। वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो, स्टडी रिलीजियस बुक्स, स्टडी रिलीजियस बुक्स। कुछ लोग शांति में विश्वास नहीं करते हैं, कुछ लोग शांति में विश्वास नहीं करते हैं, सम पीपुल डू नॉट बिलीव इन पीस, सम पीपुल डू नॉट बिलीव इन पीस। प्रत्येक दुश्मन में एक दोस्त होता है, प्रत्येक दुश्मन में एक दोस्त होता है, देयर इज़ अ फ्रेंड इन एवरी एनिमी, देयर इज़ अ फ्रेंड इन एनिमी, इन एवरी एनिमी। वे आराम से अंग्रेजी सीखते हैं, वे आराम से अंग्रेजी सीखते हैं, दे लर्न इंग्लिश ईजीली, दे लर्न इंग्लिश ईजीली। गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा, वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा। उसने पटना के बारे में पत्र लिखा है, उसने पटना के बारे में पत्र लिखा है, ही हैज़ रिटन अबाउट पटना इन हिज लेटर, ही हैज़ रिटन अबाउट पटना इन हिज लेटर। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, टू एर इज ह्यूमन, टू एर इज ह्यूमन। गणित सीखना कठिन नहीं है, गणित सीखना कठिन नहीं है, लर्निंग इन मैथमेटिक्स इज नॉट डिफिकल्ट, लर्निंग मैथमेटिक्स इज नॉट डिफिकल्ट। तैरना एक अच्छा व्यायाम है, तैरना एक अच्छा व्यायाम है, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है, बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स, इट इज़ आवर ड्यूटी टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स। तुम यह ले सकते हो, तुम यह ले सकते हो, यू मे टेक दिस, यू मे टेक दिस। हमें सत्य बोलना चाहिए,
हमें सत्य बोलना चाहिए. वी शुड स्पीक द ट्रूथ. वी शुड स्पीक द ट्रूथ. मैंने उसे पढ़ते हुए पाया. मैंने उसे पढ़ते हुए पाया. आई फाउंड हिम स्टडिंग. आई फाउंड हिम स्टडिंग. मैं गाना जानता हूँ. मैं गाना जानता हूँ. आई नो हाउ टू सिंग. आई नो हाउ टू सिंग. टेबल पर पांच किताबें हैं. टेबल पर पांच किताबें हैं. देयर आर फाइव बुक्स ऑन द टेबल. देयर आर फाइव बुक्स ऑन द टेबल. शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं. शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं. द टीचर इज़ टीचिंग इन द क्लास. द टीचर इज़ टीचिंग इन द क्लास. भूल करना मानवीय है. क्षमा करना दैवीय है. भूल करना मानवीय है. क्षमा करना दैवीय है. टू एर इज़ ह्यूमन. टू फॉरगिव इज़ डिवाइन. टू एर इज़ ह्यूमन. टू फॉरगिव इज़ डिवाइन. बिना हेलमेट पहने स्कूटर चलाना खतरनाक है. बिना हेलमेट पहने स्कूटर चलाना खतरनाक है. इट इज़ डेंजरस टू राइड अ स्कूटर विदाउट ए हेलमेट. इट इज़ डेंजरस टू राइड ए स्कूटर विदाउट अ हेलमेट. हमें जल प्रदूषित नहीं करना चाहिए. हमें जल प्रदूषित नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट पॉल्यूट वाटर. वी शुड नॉट पॉल्यूट वाटर. हम लोग कल बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने जाएंगे. हम लोग कल बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने जाएंगे. वी शैल गो टू हेल्प द फ्लड विक्टिम्स टूमोरो. वी शैल गो टू हेल्प द फ्लड विक्टिम्स टूमोरो. मैंने उसे पार्क में बैठा हुआ देखा. मैंने उसे पार्क में बैठा हुआ देखा. आई सॉ हिम सिटिंग इन द पार्क. आई सॉ हिम सिटिंग इन द पार्क. एक लड़का चलती हुई गाड़ी से कूद पड़ा. एक लड़का चलती हुई गाड़ी से कूद पड़ा. अ बॉय जम्प्ड ऑफ द रनिंग ट्रेन. अ बॉय जम्प्ड ऑफ द रनिंग ट्रेन. यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो गरीबों के हित में काम करता. यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो गरीबों के हित में काम करता. इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हैव डन गुड थिंग्स फॉर द पुअर. इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हैव डन गुड थिंग्स फॉर द पुअर. भारत की राजधानी दिल्ली है. भारत की राजधानी दिल्ली है. द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ दिल्ली. द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ दिल्ली. मैं तैरना जानती हूँ या जानता हूँ. आई नो हाउ टू स्विम. आई नो हाउ टू स्विम. यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता. यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता. If I were a bird, I would fly in the sky. If I were a bird, I would fly in the sky. वह सोमवार से बीमार है. वह सोमवार से बीमार है. He has been ill since Monday. He has been ill since Monday. सच्ची मित्रता दुर्लभ है. सच्ची मित्रता दुर्लभ है. True friendship is rare. True friendship is rare. टहलना अच्छी कसरत है. टहलना अच्छी कसरत है. Walking is a good exercise. Walking is a good exercise. तुलसीदास एक महान कवि थे. तुलसीदास एक महान कवि थे. तुलसीदास was a great poet. तुलसीदास was a great poet. वाराणसी एक प्राचीन नगर है. वाराणसी एक प्राचीन नगर है. वाराणसी is an ancient city. वाराणसी is an ancient city. भारत गांवों का देश है. भारत गांवों का देश है. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस. जो वह कहता है सही है. जो वह कहता है सही है. व्हाट ही सेज इज राइट. व्हाट ही सेज इज राइट. व्हाट ही सेज इज राइट. हमें सच बोलना चाहिए. वी शुड स्पीक द ट्रूथ. वी शुड स्पीक द ट्रूथ. तुमसे यह किसने कहा. तुमसे यह किसने कहा. हु सैड दिस टू यू. हु सैड दिस टू यू. उसे ऐसा करने दो. उसे ऐसा करने दो. लेट हिम डू इट. लेट हिम डू इट. लेट हिम डू इट. अंग्रेजी सीखना आसान है. अंग्रेजी सीखना आसान है. टू लर्न इंग्लिश इज ईजी. टू लर्न इंग्लिश इज ईजी.
हमें ज़रूर अंग्रेजी सीखना चाहिए, हमें ज़रूर अंग्रेजी सीखना चाहिए। वी मस्ट लर्न इंग्लिश, वी मस्ट लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी पूरे संसार में बोली जाती है, अंग्रेजी पूरे संसार में बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।